स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन क्लास सेवन साइंस का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और आज इस वीडियो ये हमारा पार्ट वन है और मेनली इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्लड प्लाज्मा ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो ये हमारा जितना भी पार्ट होता है जैसे सबसे सब पहले क्या होता है हम खाना खाते हैं अब उस खाने को हम जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो एब्ज़ॉर्ब करके वो सारा खाना हमको सेल्स तक पहुंचाना होता है ताकि वो रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करे नहीं तो फिर खाने खाने का तो कुछ फिर वो है ही नहीं यूज़ क्या होता है एनर्जी के लिए खाते हैं हम खाना तो इस खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको चाहिए होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और ये मतलब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है जिससे क्या कहते हैं जो वो ट्रांसपोर्ट करता है पूरे एक्सक्रीटरी मतलब कोई एक्सक्रीट करना है बाहर उसको भी सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है इसके अंदर वेरियस चीज़ आते है जैसे ब्लड ब्लड वेसल्स ब्लड एक पूरा नेटवर्क है आप एन में एक डायग्राम भी है उसमें स्टार्टिंग में उसमें दिखा रखे कि कैसे ऐसे इतना बड़ा कनेक्शन है ऊपर से नीचे आर्टरीज का वेंस का कैपिलरीज का तो चलिए टेक्स्ट में से स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द लाइफ सपोर्ट सिस्टम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो वो बंदा भी नहीं है क्योंकि हम खान मतलब हर हर मतलब इम्पोर्टेंट काम के लिए हर जो काम चाहिए हमको जीने के लिए उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एक मेन पार्ट है मेन सिस्टम है तो दैट प्रोवाइड्स आर बॉडी सेल्स विद फूड एंड ऑक्सीजन इट टेक्स अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी सेल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट तो अब हमारा थर्ड सॉरी uh, अब हम डिस्कस करेंगे पहले हाँ ये एक तो खाना को क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से दूसरा है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को दूर लेके जाते हैं जब बॉडी के सेल से क्योंकि उसमें जैसे मेटाबोल कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हुआ कोई काम हुआ जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई काम हुआ और उसमें वेस्ट हुआ तो इस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल से लेके जाने बाहर निकालना है बॉडी के एक्सपेल आउट करना है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड ब्लड होता है एक जो लाल लाल जैसे कोई चोट लग जाती है तो जिसमें से जो निकलता है वो ब्लड होता है और फिर ब्लड वेसल्स ब्लड वैसल्स जैसे वेन्स कैपिलरीज आर्टरीज ये सारे मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा अगले आगे वीडियो में और हार्ट हार्ट जो हार्ट मतलब पंपिंग ऑर्गन होते हैं ना जो ऐसे धक धक करता है जो हम ऐसे ड्रॉ भी करते हैं वो हार्ट हो गया तो अब हम करेंगे ब्लड तो ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज बॉडी फ्लूइड दैट फ्लोज इन ब्लड वेसल्स जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं जैसे अब आर्टरीज है आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है और वो ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फ्रोम स्मोल इट टेस्टाइन जितना भी खाना खाया वो जो विलीज के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं जो ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को टू तो एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी दूसरा ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स जो लंग्स हैं लंग्स ने है, ऑक्सीजन तो ले ली अब इस ऑक्सीजन को हमको सारे बॉडी सेल्स में पहुँचाने ताकि क्या कहते हैं हम रेस्पिरेशन हो सके अगर रेस्पिरेशन नहीं हुई तो एनर्जी नहीं हो पाएगी रेस्पिरेशन क्या होता है जैसे किसी भी फूड को है उसको बर्न करना पड़ता है अगर आपको हीट चाहिए जैसे कम जैसे क्या कहते हैं वो होता नहीं जिसके अंदर हम लकड़ी ऐसे जला के उस पर खाना पकाते हैं उसमें भी हमको लकड़ी को जलाना पड़ता है उसको बर्न करना पड़ता है एनर्जी के लिए हीट एनर्जी के लिए हमको लकड़ी को बर्न करना पड़ता है वैसे ही फूड से हमको एनर्जी लेने के लिए हमको फूड को बर्न करना पड़ता है और वो बर्न हम कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग से मतलब कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से जो हमारे सेल में रेस्पिरेशन होती है तो उस ऑक्सीजन को हमको सेल तक पहुँचाना होगा लेकिन वो पहुँचाते कैसे हैं हम ब्लड के थ्रू उसको पहुँचाते हैं वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और फिर वो जब सेल पहुँचती है तो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर सेल्स में चल जाती है तो ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग्स लिक्विड वेस्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी जैसे जो हमारी किडनीज होती है जैसे अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए अगर आपको पहले से ही एक्सप्लेन है आप टेक्स्ट पढ़ लो और फिर वीडियो को स्किप करके भी कर सकते हो लेकिन अगर आपको थोड़ी क्वेरीज है तो आप मेरी मेरी ऑडियो भी सुनो बहुत अच्छे से आपको मतलब लर्न हो जाएगा तो लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी जैसे बॉडी से जो जैसे अब जो ब्लड होते हैं ना ब्लड उसके पास जाता है किडनी के पास और वहाँ से वो ये सारा हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी आप आपको पढ़ा देता हूँ जो हमारी किडनीज होती है उसमें नेफ्रोन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे बहुत सारे नेफ्रोन्स होते हैं वो क्या कहते हैं साफ खू खु, उस खून को साफ़ करके साफ खून तो चला जाता है और जो वेस्ट बची है लिक्विड वेस्ट जो यूरिया होता है हमारा वो उसको पास कर देते हैं और फिर उसको हम यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं ये भी ब्लड के कारण ही होता है कि ब्लड वो सारा वेस्ट लेके आता है किडनी के पास और फिर वेस्ट तो उधर छोड़ देता और है और ब्लड ले जाता है साफ खून ले साफ खून हार्ट के पास ले जाता है तो इन अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बींग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ फाइव लीटर्स तो एक अगर हेल्दी हट्टा कट्टा आदमी है उसके अंदर फाइव लीटर्स ऑफ ब्लड होता है पाँच लीटर ब्लड ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ टू कॉम्पोनेंट हाँ ब्लड में टू कॉम्पोनेंट होते हैं एक तो प्लाज्मा और एक बॉडी सेल्स या फिर बॉडी कार्पुसल कॉरपोसल्स ठीक है तो पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्लाज्मा क्या होता है प्लाज्मा इज़ अ फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर ही सस्पेंडेड होते हैं प्लाज्मा एक फ्लूड पार्ट होता है लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसके अंदर ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं ये पेल येलो कलर का होता है एंड मतलब पचपन परसेंट फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड इज़ प्लाज्मा एंड फोर्टी फाइव परसेंट इज क्या कहते हैं हमारे ब्लड सेल्स और फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ जो ब्लड प्लाज्मा में है तो प्लाज्मा में हमारा नाइन्टी परसेंट वाटर ही होता है जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या कहते हैं पानी ही होता है तो वह मेनली पानी का ही कंपोज होता है और आप इसमें कंफ्यू कन्फ्यूज मत हो जाना ब्लड सेल्स और प्लाज्मा में अलग अलग चीजें हैं बस वो उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं मतलब उसके अंदर जैसे एक बाल्टी है बाल्टी के अंदर पानी है पानी के अंदर डब्बा है तो वो डब्बा और पानी में सस्पेंडेड है लेकिन वो दोनों अलग अलग चीजें हैं वैसे ही प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं उसमें वो अलग अलग होते हैं इट हैज मिनरल्स न्यूट्रिय प्रोटीन्स इंजाइम्स हारमोन्स एक्सेट्रा इन मिनरल्स जो मतलब विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स इन्जाइम्स इन्जाइम जो जैसे इन्जाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी वो सारे बॉडी के बहुत सारे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है वो इन्ज़ाइम्स करते हैं हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जैसे जो काम को स्टार्ट करने के लिए एक मतलब रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को एक जैसे अब किसी चीज जगह पर हॉर्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो फिर काम करना स्टार्ट कर देगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये इतना डिटेल में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी जो सेवन्थ क्लास में इतना पूछते भी नहीं है ये अब ब्लड सेल्स और ब्लड कारपू तो हम ब्लड सेल्स देखेंगे क्या होते हैं देर आर दे दिस कंटेन्स फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड फिफ्टी फाइव परसेंट ब्लड था हमारा प्लाज्मा फोर्टी फाइव परसेंट है ब्लड सेल्स तो देर तीन तरह के ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स फिर उनको हम एरीथोसाइड्स भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लाज सॉरी प्लेटलेट्स जैसे अब आपके अभी के चोट आपके कभी चोट लग जाए तो उधर एक कवरिंग आ जाती है पाँच दस मिनट में या फिर थोड़ी देर में तो क्या कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है और वो क्या कहते हैं हमारे ब्लड ब्लड सेल होता है वो हमारा तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज आर बी सी रेड ब्लड सेल या फिर एरीथोसाइट्स ये याद रखना कि इसका नाम एरीथोसाइट्स होता है ठीक है तो और दीज आर बायोकनकेव ये होती है बायकनकेव कभी कभी बोलते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दीज आर बायोकन्वैक्स बायकन्वैक्स नहीं होते जैसे एक तो हो ऐसे अंदर से जो मुड़ी हुई हो और एक जो बाहर से हो रखी वो जैसे मिरर्स होते हैं हमने उसमें भी देखा है एक तो ऐसे और एक ऐसे ठीक है।, है तो वो जैसे आप चम्मच से दो साइड देखोगे वैसे ही वो बाय कनकेव तो बाय कनकेव है जो ऐसे अंदर से हो रखा है और डिस्क शेप होते हैं जैसे आप इस फिगर में देखोगे एरीथोसाइड ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट फिगर है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा लेकिन मैं ऊपर आपको रेड ब्लड सेल की फ़ोटो भी दे दूंगा तो आप देख सकते हो इस फिगर में कि क्या कहते हैं आर बी सीज रेड कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर एक रेड कलर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन अब आप देखो जो हमारे पत्ते होते हैं वो हरे क्यों होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल क्लोरोफिल उसको हरा रंग देता है तो क्या कहते हैं पिगमेंट एक सबस्टेंस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रंग देता है और नेचुरली अक्रिंग सब्स्टांस होता है तो जो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है वो हमारे आर में प्रेजेंट होता है और ये किस काम आता ही है हीमोग्लोबिन कंबाइन कर जाता है जैसे अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो करनी है हमको कैसे करेंगे ट्रांसपोर्ट जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा तो वो फिर एक एक साथ ऐसे ट्रांसपोर्ट फिर उसको कर सकता है और आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ हर सेल का न्यूक्लियस होता है लेकिन आर जो होते हैं उनका न्यूक्लियस नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ताकि वो हीमोग्लोबिन को ज्यादा जगह मिल सके और ज्यादा ऑक्सीजन वो एक बार में ट्रांसपोर्ट कर सके तो डीजारेप्ड स्ट्रक्चर विच कंटेनर रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट आर बी सीज आर रेड इन कलर एंड इम पार्ट रेड कलर टू द ब्लड तो ब्लड को रेड कलर वही देते हैं हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन तो फिर जब वो सेल्स के पास पहुंची तो वो डिस अलग अलग हो जाएंगे ऑक्सीजन उसको दे देंगे और हीमोग्लोबिन चल जाएगा अब जैसे कोई बॉडी का वो हुआ काम हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन में क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर एक्सपेल आउट करनी है नोस्ट्रिल से तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के साथ कंबाइन कर देगी और वो क्या कहते हैं हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो ऑक्सीजन इज यूज बाय द सेल्स फॉर मोग्लोबिन हीमो को हीमोग्लोबिन ऑल्सो कम्बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट टू द्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स वेयर इट इज ब्रीथ आउट अब मैं आपको दो फैक्ट बताऊंगा कि जैसे हीमोग्लोबिन है अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर ऊंचाई पर रहते हो या फिर माउंटेन एरिया होते हैं जहाँ पर उधर ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि जैसे एयर जाती है ऊपर वो लेस डेंस हो जाती है और उसमें हवा की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है तो उधर जो होते हैं उनके ज़्यादा हीमोग्लोबिन होते हैं तो जो माउंटेन रीजन है उधर ज़्यादा हीमोग्लोबिन होते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाकर ज़्यादा ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट कर पाए क्योंकि हवा में ऑक्सीजन कम है तो एक बारी में बहुत सारी ऑक्सीजन एक जगह से लेकर दूसरी तो जगह तक वो कर ले तो आप जैसे करते कि एथलीट्स वो प्रैक्टिस जैसे आपको आप हंड्रेड मीटर की रेस है तो आप बहुत पहले ही छः महीने से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे भागो भागने की प्रैक्टिस करोगे उससे आप करते क्या हो आप क्या करते हो कि आप जब भागते हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी से है ना वो हो जाता है आपको आदत पड़ जाती है उसकी और फिर आपके जो अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसका काउंट बहुत इंक्रीज़ हो जाता है उसका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है और फिर जिस टाइम आपकी रेस होती है तब आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है स्टेमिना क्या होता है ऑक्सीजन की कमी ना पड़ना एक टाइम पर बहुत सारी आपको क्या कहते हैं एनर्जी मिल पाए तो आप ताकि आप तेज़ भाग लो तो एक ये फैक्टर भी होता है और क्या कहते हैं जो एथलीट्स होते हैं ना वो क्या कहते हैं हिली रीजन पे जाकर प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का काउंट इंक्रीज हो जाए तो क्योंकि हिली एरिया पे क्या कहते हैं और फिर जब रेस होगी तो हीमोग्लोबिन उनके पास बहुत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा लेंगे रेस्पिरेशन अच्छे से होएगी ना एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ऑक्सीजन की कमी तो है ही नहीं तो अच्छे से बहुत सारी ऑक्सीजन मतलब एनर्जी मिलेगी तो तेज़ भागेगा वो बंदा या फिर जो फुटबॉलर है जो भी है मतलब कोई भी एथलीट है तो वो फिर क्या कहते हैं तेज़ भाग पाएगा रेस जीत जाएगा तो ये जो जितना भी ये हमारा ब्लू बॉक्स था मैंने इसमें कवर कर लिया है अगर आपको पढ़ना हो तो आप रीड भी कर लेना अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यू बी सी और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यू बी सी आर स्लाइटली लार्जर इन साइज जो होते हैं आर बी सी उससे लार्जर होते हैं लेकिन कम होते हैं वो बहुत सारे होते हैं भी होते तो दोनों ही ज्यादा है लेकिन उसकी काउंट भी बहुत ज्यादा होती है और इतने छोटे छोटे सेल्स तो आपको पता ही है मिलीमीटर आपका जो स्केल होता है उसमें एक सेंटीमीटर होता है उसके दस पार्ट बने होते हैं उसका और हम बहुत छोटा कर लें और वायरस जब बहुत वायरस तो इससे भी मतलब से तो हम देख ही नहीं सकते माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं हमको वो भी इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप <laughs> तो डब्ल्यू बी सी और ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यू बी सीज आर स्लाइटली लार्जर इन साइज एंड फ्यूअर इन नंबर देन देर मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेज बाई डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर फॉरन मटीरियल तो उनका मेन काम होता है हमको बचाना डिजीज़ आगे बैक्टीरिया आ गया कोई फॉरेन मटेरियल आता है हमारी बॉडी के अंदर तो उससे हमको बचाना मेन काम है डब्ल्यू बी का तो क्या कहते हैं ये उस बैक्टीरिया या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हम बच जाएंगे जैसे कोई भी जैसे कफ एंड कोल्ड है उसका बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया वायरस अंदर आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो मेनली अभी कोविड नाइन्टीन है लेकिन उसको हमारा जो वायरस हमारे जो डब्ल्यू बी है उसको कर नहीं पा रहे कुछ तो जैसे जो लोग फोटीन डेज के क्वारंटाइन में ही ठीक हो जाते हैं उनकी जो बॉडी है उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है उनके डब्ल्यू बी उससे लड़ पा रहे हैं लेकिन जो नी है जिनका जो ओल्ड एज की है या फिर जो यंग है बहुत यंग है बच्चे हैं वो नहीं लड़ पा रहे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक है अभी और क्या कहते हैं उनके डब्ल्यू काउंट बहुत कम है तो वो लड़ नहीं पा रहे उन तो जो डब्ल्यू है वो एंटीबॉडीज बना देते हैं उसके अगेंस्ट उसे लड़ने के लिए तो देख और जैसे अब आपको एक अमीबा पता होगा हमने बहुत पढ़ा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है उसके ऐसे पैर होते हैं सूडोपोरिया वो बॉडी का ही ऐसे कहते हैं ना मतलब आउटग्रोथ्स होती है फिंगर लाइक -like. वैसे अपनी शेप चेंज कर लेता है पहले ऐसे था फिर ऐसे फिंगर लाइक हो गया मतलब तो वो शेप चेंज कर लेता है वैसे जो हमारे डब्ल्यू बी सी जाइए आपको एक अच्छा फैक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे अब कोई छोटी जगह है अब उसको दो सेल से पास करके उधर जाना जैसे युद्ध युद्ध में सैनिक को जाना है उधर तो ऐसे अपनी शेप चेंज करके बहुत छोटा सा बन के उनके बीच में से ऐसे पास कर देगा दूसरी साइड जाने के लिए तो जैसे किसी वॉल को पास करना उसको तो दे आर Uh, um, they can change their shape just like amoeba and thus capable of amoeboid movement this helps them to pass through the walls of blood vessel ha jaise koi beech mein blood vessel aa raha hai usme se pass karna hai to wo usme kaam aata hai aur un infect और जैसे कोई infected part है उधर पहुंचना है तो इसमें वो काम आता है तो WBC count goes up when there is इज infection. जैसे जो होता है कोई इन्फेक्शन आ गया कोई फॉरेन मटेरियल आ गया तो डब्ल्यू की काउंट बढ़ जाती है क्यों ताकि उसको वो डिजीज़ को अच्छे से मार पाए तो जैसे आपको कोई बीमारी होगी या फिर आपको कुछ भी हो गया डिजीज हो गया तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं अपना ब्लड टेस्ट करा लो उससे क्या होता है वो टेस्ट करते हैं कि डब्ल्यू की क्या काउंट हुई है डब्ल्यू इंक्रीज हो गए नॉर्मल रेट से तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ कोई बीमारी है और फिर वो उनके पास एक नंबर होता है कि अगर ये टाइफॉयड है तो ये क्या कहते हैं इतना नंबर है तो फिर उससे ये बीमारी का कन्फर्म भी हो जाता है हाँ ये ऐसे है ये बीमारी है इस बंदे को हैंस और ये हमको क्या कहते हैं इन्फेक्शन से बचाते हैं इसलिए इनको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं अब हम करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉलर इन साइज देन बोथ आर एंड डब्ल्यू पी जो तो प्लेटलेट्स होती है वो आर और डब्ल्यू दोनों से छोटी होती है दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉड जैसे कोई मैंने बताया चोट लग जाती है तो उसको क्लोड करने में काम आती है वेन एवर देर इज कोई भी चोट लगी वाउंड हो गया तो उसको भरने में डब्ल्यू काम आती है द ब्लॉक्स दिस ब्लॉक्स द फ्लो ब्लड एंड नहीं तो ब्लड हमारा बहता ही जाएगा तो ब्लड तो ख़त्म ही हो जाएगा एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस ब्लड लॉस को बचाती है अब जैसे दो मिनट ये वीडियो बहुत लंबी गाइस हो गया है तो इसका हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे आगे ब्लड वेसल्स तो हम इतने होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना कोई क्वेरी रह गई हो आपको तो चैट बॉक्स में बेफिक्र पूछ लेना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय